दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका पसंदीदा गाना आपको पसंद तो है, लेकिन क्यों? और जब आप किसी से बात करते हो तो कैसे पहचाने कि वह आपकी बातों में इंटरेस्टेड है कि नहीं? इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले से अधिक ज़्यादा स्मार्ट बन जाओगे। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अगर हम अपने बाल अथवा नाखून काटें तो हमें दर्द नहीं होता। ये तो काफ़ी सामान्य सी बात है, लेकिन क्या है आपको पता है कि दिमाग का ऑपरेशन होते समय भी हमें दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि दर्द को महसूस करने के लिए दिमाग के पास कोई नर्व रिसेप्टर होता ही नहीं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब दिमाग दर्द महसूस नहीं करता तो शरीर के अन्य पार्ट्स में चोट लगने पर हमें दर्द क्यों होता है? तो आपको बता दें कि रीढ़ की हड्डी नोसिसेप्टर नामक नस के माध्यम से हमारे दिमाग को खतरे का सिग्नल भेजती है, जिससे हमें दर्द का एहसास होता है। फैक्ट नंबर टू, हम लोग गाना तो सुनते ही हैं, लेकिन उनमें से कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। लेकिन क्या है आपने कभी सोचा है कि वही गाना आपको इतना पसंद क्यों है? तो एक स्टडी के अनुसार 90% लोगों को उनका पसंदीदा सॉन्ग इसलिए पसंद होता है क्योंकि वह उनकी ज़िंदगी की असल घटनाओं से जुड़ा होता है। वह व्यक्ति उनकी लिरिक्स को अपनी ज़िंदगी की चीज़ों से जोड़कर देखता है। फैक्ट नंबर थ्री, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे व्यक्ति तो होंगे ही जो हमेशा कुछ न कुछ छिपाते ही रहते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं या नहीं, तो एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि जिस चीज़ को वो छुपा रहे हैं उसी के विषय में बात करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने पर उनके चेहरे में कुछ साइन दिखते हैं, जैसे वे हड़बड़ा जाते हैं, आंखें चुराने लगते हैं, बात को बदलने का प्रयास करने लगते हैं, सामान्य गति से तेज बोलना शुरू कर देते हैं। अगर ये सब साइन उनके चेहरे पर दिखें तो आपको तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ छिपा रहा है। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों आपको स्कूल के वे दोस्त तो याद ही होंगे जो हमेशा बकवास की बातें ही करते थे, राइट? लेकिन उनकी बातों को सुनकर आपकी इम्प्रेशन कैसे होते थे? यानी एक स्टडी के अनुसार किसी से अगर आप बात कर रहे हो और वह सिर नीचे किए हुए है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको बताना भी नहीं चाहता कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आप बेड पर लेटकर मोबाइल पर टाइपिंग कर रहे हो और आपका स्मार्टफोन आपके ही मुंह पर गिर गया हो। तो ऐसा मत सोचिए कि आप दुनिया में अकेले हो। ऐसे में दुनिया में 95% लोगों का फ़ोन बेड पर लेटकर टाइपिंग करते वक्त कभी न कभी उनके ही मुंह पर गिर चुका है। दोस्तों, अंत में उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्नो फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।